हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट और स्पंजी इडली बनाने की रेसिपी लाई हूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएं। ये बहुत ही स्पंजी इडली बनने वाली है और बिल्कुल कम इन्ग्रीडियंट्स से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं हम। इडली बनाने के लिए आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या बाउल फिक्स कर लें। उसी बाउल से 2 कप चावल तो 1 कप उड़द की दाल लें। इस चावल और दाल को अच्छे से धुल लिया है 1 से 2 बार पानी से, और इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी कंकड़ वगैरह ना हो। तो आप इसको स्टार्टिंग में ही उसके कंकड़ अलग कर लें, और धुलने के बाद इसमें आप इतना पानी भर दें इस बर्तन में ताकि अच्छे से फूल जाए। 7 से 8 घंटे में ये दाल और चावल अच्छे से फूलकर रेडी हो जाते हैं। ये छिलके वाली दाल है, तो आप जब इसको फूल जाने देंगे उसके बाद हाथ की हेल्प से ऐसे धुलेंगे तो ये अपने पूरे छिलके अलग छोड़ देगा। फिर आप छिलके इसके अलग कर लें धोकर। दाल और चावल को अच्छे से धुलने के बाद इसका हम मिक्सर में बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। आधा क्वांटिटी चावल और आधा दाल ऐड करते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें, इसमें स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पानी ऐड ना करें, बीच बीच में पीसने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो यह हमारा बैटर अच्छा चिकना नहीं पिसेगा। ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए फिर इसे बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे बैटर को पूरा पीसने के बाद आप बर्तन में निकाल लें। आप इस बैटर को ज़्यादा पतला ना करें, यदि आप पतला कर लेंगे तो अच्छे से हमारा बैटर फूलेगा नहीं। इसमें स्वादानुसार 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने से हमारा इडली का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा पानी स्टार्टिंग में ही ऐड ना करें, नहीं तो अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा ये बैटर। ये बैटर अच्छे से पिसकर रेडी हो चुका है, तो इसे ढककर लगभग 10 से 15 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए। समर सीजन में ये बैटर 10 से 15 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने पर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन विंटर सीजन में जल्दी फर्मेंट नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप जल्दी फर्मेंट करने के लिए आप इसको किसी भी गर्म स्पेस पर रखें, जैसे कि अलमारी या कोई भी कंटेनर के अंदर, ताकि ये फर्मेंट हो जाए। मिनिमम 10 घंटे तो इसको रखें, तभी आपकी इडली अच्छे से फूलेंगी। आप आवश्यकता अनुसार आप बाद में जब आप इडली बनाएं उस टाइम आप इसकी कंसिस्टेंसी पतला या गाढ़ा आप इस तरीके से आप खुद कर सकते हैं। यदि आपको गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। अब हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप इडली बनाने वाले कंटेनर में पानी ऐड कर दें लगभग 1 से 1.5 गिलास, और इसे गर्म हो जाने दें। जब तक ये गर्म हो रहा है तो इडली बनाने वाले सांचे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। ऑयल से ग्रीस करने पर हमारी इडली इससे आसानी से निकल जाती है, चिपकती नहीं है। सभी सांचे को ग्रीस कर लिया है। फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ, जो भी किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है। एक बार आप उस लिंक में जाकर जरूर देखें। अब सभी में ये बैटर ऐड कर दिया। ध्यान रखें, बैटर को ज़्यादा भी पतला ना होने दें, नहीं तो हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी, फूलेंगी नहीं। ये हमारे पानी अच्छे से बॉयल हो गया था तब इसमें ये सभी सांचों को रख दिया है, और इसे ढककर लगभग 8 से 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएं। बीच में इसे चेक भी कर सकते हैं, बीच बीच में बार बार खोलकर ना देखें। इसको खोलकर देखा, ये अच्छे से पककर रेडी हुई है। हाथ की हेल्प से ऐसे देखा तो हाथ में ये बैटर नहीं आ रहा है, या आप स्पून की हेल्प से या नाइफ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारी ये पककर रेडी हुई कि नहीं। ये हमारी इडली बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे इस तरीके से थोड़ा आप
तिरछा करके इन सांचों से, यदि पानी स्टीम आ गई है इसमें तो आप उसे निकाल दें। और इसको निकालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट ऐसे ही ठंडा होने दें सांचे में, उसके बाद ही आप इसे निकालें। स्पून में आप ऑयल लगा लें, उसके बाद ऐसे निकालते जाएं। ऐसा करने से जब ये आप थोड़ा सा इसे ठंडा कर देंगे, उसके बाद ये अच्छे से सही शेप में निकलती हैं इडलियाँ। तो फ्रेंड्स, ये इडलियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और यदि आप इसके साथ जो चटनी खाते हैं उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि इडली बनाने के लिए किस तरीके से चटनी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।